फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में कोकोनट वाटर मतलब नारियल का पानी पीना सभी को पसंद है और सभी लोग अपने को एडवाइस भी देते हैं कि नारियल पानी पीना चाहिए। तो आज मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट एट जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, आपके कोकोनट वाटर से जुड़े हुए सभी सवालों का आज मैं आपको आंसर दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोकोनट वाटर में होता क्या है। सब क्यों बोलते हैं कि भाई कोकोनट वाटर पियो, या कुछ लोग मना करते हैं कि नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, कोकोनट जो वाटर होता है उसके अंदर 90% मतलब 90% के अराउंड पानी होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसके अंदर मेनली सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये तीन चीजें पाई जाती हैं जो हमारे शरीर में काफी हेल्पफुल होती है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि कोकोनट वाटर हमें कितना पीना चाहिए। पीना ही जरूरी है क्या? जी, ऐसा नहीं है कि आपको कोकोनट वाटर पीना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप इसको आराम से पी सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमें एक दिन में कितना पीना चाहिए। एक दिन में आप एक पी सकते हैं, ये नहीं कि आप पूरा टाइम कोकोनट वाटर 3, 4, 5 पीते रहेंगे कि हाँ अब हमें कुछ नहीं लेने का जरूरत है, सिर्फ नारियल पानी पी लिया, पानी भी नहीं पीना। ऐसा नहीं है, ये नहीं है कि कोकोनट वाटर एक कंप्लीट फूड है जो बाकी सबको रिप्लेस कर देगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कोकोनट वाटर हमें पीना चाहिए, दिन में आप एक पी सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि ये किसी को रिप्लेस करेगा। अब बात आती है कि हमें कैसे पीना चाहिए कोकोनट वाटर। अगर आप बाजार से खरीद के ला रहे हैं तो अगर उसको कटा के ला रहे हैं तो फ्रेशली आपको तुरंत ही पीना है। अगर आप घर पे ला रहे हैं तो जब से ही आपने उसको ओपन किया तो तुरंत पीना है। और कैसे पीना है, उसको एक ग्लास में लेके और उसको छान कर पीना है, उसको देखना है कि ये ठीक है नहीं है। तो एकदम फ्रेश कोकोनट वाटर ही पीना है और उसको आराम से छान कर आपको पीना है। अब बात आती है कि मैडम इसके क्या क्या फायदे। कई मरीज पूछते हैं कि मैडम कोकोनट वाटर के क्या फायदे हैं, तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो, कोकोनट वाटर में पानी 90% के अराउंड होता है, तो अपने शरीर में अगर पानी जाएगा तो उसके पानी के क्या क्या फायदे होंगे। हाइड्रेशन अच्छा होगा, तो कोकोनट वाटर पीने से जो सबसे मेन काम होता है वो हाइड्रेशन। जैसे प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में काफ़ी वोमिटिंग वगैरह अपने को रहती है, तो कुछ भी खाने पीने को मन नहीं करता, तो हम ये बोलते हैं कि ठीक है जो आपका मन करे वो पी लो। पानी नहीं पीने का मन करता है तो लगता है कि चलो नारियल पानी पी लिया, तो उससे थोड़ा बहुत तो हाइड्रेशन होगा। तो कोकोनट वाटर से सबसे जो मेन काम है कि हाइड्रेशन बना के रखता है, हमें थोड़ा सा ताजगी महसूस होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पीने। अब सेकंड पॉइंट आता है कि इसके अंदर हम देखें सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और मैग्नीशियम होता है। ये हमारी बॉडी में पाए जाने वाले मेन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब ये क्या काम करेंगे, अगर आप इसको अच्छे से लेंगे तो आपका जो बीपी है वो भी कंट्रोल में रहेगा। कई पेशेंट जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो जो ये पोटेशियम और ये मैग्नीशियम होते हैं बीपी मेंटेन में काम आते हैं, तो जो बीपी भी इससे नॉर्मल थोड़ा रहता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि अगर आप नारियल पानी लेते हैं, पानी अच्छे से जाएगा क्योंकि लिक्विड जा रहा है, तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है, मोस्टली लोगों को होती है, तो कोकोनट वाटर पीने से पानी जाएगा, पानी जाने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी दूर होगी। थर्ड पॉइंट ये हुआ अपना। फोर्थ पॉइंट आता है कि कोकोनट वाटर आप लेंगे तो आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे अपने हाइड्रेट रहेंगे तो यूरिन के थ्रू जो बैक्टीरिया वगैरह वो सब वॉश आउट हो जाएंगे। तो 4 मेन अपन ने अभी देखे। इसके अलावा अब अपना आता है कि और क्या क्या काम कर सकता है। अब इसके अलावा कोकोनट वाटर अपने को जो बेबी की चारों तरफ का पानी होता है, जिसे कि एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं, उसको भी मेंटेन करने में काम आता है। ये अपना पांचवा। तो अभी तक अपन ने 5 चीजें पढ़ी कि कोकोनट वाटर के क्या क्या फायदे हुए। 6 पॉइंट आता है कि कोकोनट वाटर और क्या करता है। देखो, प्रेगनेंसी में हार्ट बर्न की मतलब ऐसे एसिडिटी की, जलन की, सबको समस्या होती है, क्योंकि काफी पेशेंट कहते हैं कि मैडम मेरे को गले में जल रहा है, पेट जल रहा है। तो अगर आप कोकोनट वाटर लेंगे तो आपको ठंडा ठंडा अच्छा फील होगा, तो ये जो हार्ट बर्न होता है उसको ये कम करता है। इसके अलावा इसमें काफी चीजें ऐसी जैसे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, तो इससे हमारा इम्यूनिटी होती है वो भी बूस्टअप होता है। प्रेगनेंसी में अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा तो आपको का जो बीमारी होगी वो कम होगी। तो अभी तक हमने जाना कि नारियल पानी पीने के क्या क्या फायदे। आपका हाइड्रेशन अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, यूरिन का इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपकी जो हार्ट बर्न की समस्या है वो कम रहेगी, और आपके बच्चे की चारों तरफ का जो फ्लूड है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा।
तो प्रेगनेंसी में कोकोनट वाटर आपको पीना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आराम से पी सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आपको पीना ही है। और ये भी नहीं है कि आप कोकोनट वाटर पी रहे हैं तो आप नॉर्मल पानी पीना ही भूल जाएं। नॉर्मल पानी को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, कोकोनट वाटर आप एडिशनली ले सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी और कंप्लीट फूड नहीं है। तो कोकोनट वाटर अगर आपको पसंद है तो आप फ्रेंड्स जरूर पीजिएगा। अगर आपके कोकोनट वाटर नारियल पानी से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम आपका इसका आंसर देने का जरूर प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।